सही गल कर रहा है बापू। ओ सोड़ी, तुम क्या इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? मैंने क्या लापरवाही की? अगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है तो मेरी क्या गलती है? मैंने क्या उसका फोन स्विच ऑफ? और आप सबके घर में रिनोवेशन हो रहा है तो आप सभी फोन करके पूछ सकते हो ना। ये भी सही बात है। बस सेक्रेटरी तो इल्जाम लगा दिया और रिनोवेशन कमेटी का मेंबर जेठालाल भी है, उसे कोई पूछ नहीं रहा है। तो उसमें क्या है, जेठालाल से भी पूछ लेते। जेठालाल, ओ जेठालाल। अरे रे 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 रे। हां बोलिए। देव भाई, जरा जेठा भाई को बुलाइए ना। हां बापूजी भी है अब। टप्पू के पापा जरा सो रहे हैं। अभी तक सो रहे हैं? अभी तक सो रहे हैं? बोलो, हम सब यहाँ पे टेंशन में है और भाई सब खर्राटे भर रहे ऊपर। तो दया भाभी जगाइए जेठालाल को, बहुत जरूरी काम है। हाँ, वैसे भी उठने ही वाले हैं। हाँ। एक मिनट बहू। जी बाबूजी। तू रुक, मैं जेठा को उठाता हूँ। फिक्र ही नहीं है, अब तो जगेंगे ही जगेंगे भाई। जल्दी उठिए, जल्दी। अरे बापू जी गुस्सा होकर आपको जगाने के लिए आ रहे हैं। टप्पू के पापा। अरे सोने दे जुलमी, सोने दे। बाबू जी आप चलिए, मैं फटाफट नहा के तैयार होके आता हूँ। तुझे नहा के तैयार होने में एक घंटा लगेगा, तब तक के सारे सोसाइटी वाले तेरी राह देखते हैं। तो कम से कम ब्रश करके हाथ मुंह धोने की परवानगी है? मतलब तू बिना ब्रश के नीचे आने की सोच रहा था? अरे अभी खड़ा क्या है, जल्दी कर, जल्दी कर, ब्रशिया। अरे दोस्तों, ऐसे हाथ पर हाथ धरे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। सतरंगी तो आएगा नहीं, तो हमें कुछ करना होगा। सही बात है। एक काम करते, अर्जेंट मीटिंग बुला लेते। आइए अय्यर भाई और बबीता जी को बुलाते। पोपू, अय्यर भाई और बबीता जी के घर का रेनोवेशन अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। थोड़ी वो बात नहीं है, बबीता जी सतरंगी की दीदी है तो बबीता जी को पता होगा ना कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी ना। चलो चलो बुलाते हैं। चलो चलो चलो। अरे अय्यर भाई, अय्यर, अरे अय्यर भाई, अय्यर, अय्यर, ये लोग हमें ही बुला रहे हैं और तब तरंगी के बारे में ही पूछेंगे। और यहाँ सप्तू का फोन अभी तक बंद आ रहा है और सुबह से उसका कोई अता पता ही नहीं है। हे भगवान, अभी हम सबको क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? बबीता, बबीता, प्लीज डोंट क्राई, प्लीज। अरे रो नहीं तो क्या करूं, ये सप्तू के वजह से हम किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे। पता नहीं हम नीचे कैसे जाएंगे अय्यर। पर बबीता, नीचे तो जाना पड़ेगा ना बबीता, इस सिचुएशन को फेद करना ही पड़ेगा। इस सतरंगी ने तो हम सबको टेंशन में डाल दिया है। हम बताइए, बुड़बक का फोन भी बंद आ रहा है। अरे मेरी तो दुनिया हिल गई है, एक तो दूसरे के घर पे नहाने जाना पड़ता है और घर की ऐसी हालत में लड़की वाले मुझे देखने आए तो मैं क्या घर दिखाऊंगा, मेरी शादी तो होने से पहले ही टूट जाएगी। तुम तो कुछ बोलो ही मत पोपटलाल, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैंने क्या किया? अपने हाथों से नारियल नहीं फोड़ा ना? अरे भाई नहीं फूटा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नारियल नहीं फूटा, तो उसमें मैं क्या करूं? अपा उसमें लग गई ना पनौती। जेठालाल। अरे क्या जेठालाल मेहता साहब, कल रात को ऐसे दूसरी बार पनौती लगाई, मुझे फोन करके बोलता है सुबह सतपंगी भाई नहीं आए तो देखो लग गई ना पनौती, अभी नहीं आए। पप्पू ऐसे पनौती नहीं लगाते। अरे सू रोशन बे सोड़ी, ऐसे बोलने से कोई पनौती नहीं लगती। वैसे तो जेठालाल ने भी 7 साल पहले मुझसे कहा था कि भाई पोपटलाल कंजूसी छोड़ दो वरना तुम्हारी शादी नहीं होगी। तब से मेरी शादी नहीं हो रही, लेकिन मैंने तुम्हें कभी कहा कि तुमने पनौती लगाई इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही है? हाँ, पर हकीकत तो यही है ना कि मेरे बोलने के बाद आज तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है।
अरे ऐसा है तो भाई तुम अपनी पनौती वापस दे लो। मैं कंजूस नहीं हूँ, पूछो सबसे भाई, मैं हूँ कंजूस? कंजूस हूँ मैं? नहीं 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 नहीं। अरे भाई तुम कंजूस नहीं हो, लेकिन अभी थोड़ा शब्दों में कंजूसी बरतो प्लीज। ये किस बात का डिस्कशन लेके बैठ गए आप लोग? जेठा लाल या अंधविश्वास की बातें हैं? ऐसे किसी के कहने से पनौती नहीं लगती है भाई। हाँ अरे लेकिन अभी अभी साबित तो हो गया ना कि मेरे बोलने के बाद उसकी शादी नहीं हुई है। जेठालाल पोपटलाल की शादी ना होने के पीछे कंजूसी नहीं और बहुत सारे कारण है। अच्छा और भी कई कारण है साहब, अब तो हद हो रही है। अरे भाई पोपटलाल ये हम बाद में बात करेंगे, जेठालाल अभी हम उस पे बात कर लें जो प्रॉब्लम सामने खड़ी है प्लीज। हाँ सप्तरंगी के बारे में सोचो। लो आ गए। कहाँ है भाई सप्तरंगी? कहाँ है मजदूर भाई? कहाँ है? अरे सप्तरंगी नहीं, अय्यर और बबीता जी आ गए। अरे बिचारे बबीता जी रो रहे हैं। बबीता जी क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? यार भाई क्या किया आपने? जेठालाल मैं सपने में भी बबीता को डांटने का सोच नहीं सकता। तो फिर बबीता जी रो क्यों रहे? बबीता जी प्लीज आप रोइए मत, देखिए बताइए क्या हुआ, बेझिझक होके बताइए, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपके साथ में। क्या हुआ? जेठालाल शांति शांति। बबीता एक्चुअली सप्तरंगी की वजह से रो रही है। सॉरी एवरीवन, मेरे भाई की वजह से आप सब लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। अरे नहीं, और यहाँ पे सब तो का कोई आता पता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो बबीता जी? हाँ आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? बबीता जी एक्चुअली आपने तो हम सबका भला ही चाहा था ना। तो ओ बबीता जी सप्तरंगी प्रात छू मंतर हो गया, तो इसमें आपकी क्या गलती है? तो बच्चे बबीता बेटा हम सबके मन में तुम्हारे लिए जरा भी नाराजगी नहीं है। सही बात है। हाँ प्लीज प्लीज बबीता जी। बबीता जी बापू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। वो तू मुझे बीच में बता रही थी ना वो टेंशन दूर करने का कोई आसन है, जरा बता बबीता जी को बता। बबीता जी मन स्नान करने के लिए आप है ना पहले एक गहरी सांस लीजिए ऐसे और फिर सांस छोड़िए, आपका मन फटक से शांत हो जाएगा। गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीथ। थैंक यू। गुड गुड गुड। अच्छा गुड गुड यार ओके। अच्छा बबीता जी मैं सप्तरंगी भाई को बहुत फोन ट्राई कर चुका हूँ, लग नहीं रहा है। आपके पास दूसरा नंबर है उसका? नहीं मेरे भाई, मेरे पास उसका कोई नया नंबर नहीं है। इनफैक्ट उसने अभी भी घर भी शिफ्ट किया था, तो मुझे उसके यहाँ तो नया एड्रेस भी नहीं है। क्या? हाँ, पता नहीं कि वो कहाँ पे है। बबीता जी आप अपने आप को दोषी मत समझो। मान लीजिए अगर सुंदर कोई गलती करता है तो उसमें दया की थोड़ी कोई गलती है। हरगिज नहीं, मेरा सुंदर बिना गलती कर ही नहीं सकता। दया? हाँ, बराबर आप बराबर कह रहे टप्पू के पापा। अगर सुंदर बिना गलती करेगा तो सुंदर बिना की गलती है, मेरी गलती नहीं है उसमें। अरे चलो भाई अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या करना है वो सोचो। हाँ सही बात है, आगे की सोचते हैं। देखिए हम सबके सामने अभी बहुत बड़ी समस्या है, अगर किसी के पास इस समस्या पे कोई सुझाव है तो जरा प्लीज बताना। बापूजी कुछ सुझाव दे रहे हैं? बोले बोले बापूजी बोले, दीजिए सुझाव। अरे भाई भेड़े ने हल्ला मचाने के लिए नहीं कहा है, इस गंभीर समस्या पे क्या करे उसका सुझाव मांगा है। चाचा जी हम लोगों को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है, अभी आप ही कुछ सुझाइए। आई थिंक हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। क्या? बबीता जी आप अपने भाई के विरुद्ध पुलिस कंप्लेन करवाएंगे? ऐसे सोच भी कैसे सकते आप? ऐसा मत सोचिए। बबीता जी अपने भाई के खिलाफ ही कंप्लेन? आप तो दीवार की शशि कपूर निकली। शशि कपूर?
अरे दीवार में भी तो यही हुआ था ना, शशि कपूर अपने भाई के खिलाफ थे। नहीं नहीं छोड़िए बबीता जी, बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी ही चाहिए। अरे क्या हो गया है आपको, क्या बोल रहे हैं आप? क्यों क्या हुआ जेठालाल? अरे कल तक तो सब लोग सतपू भाई की बहुत तारीफ कर रहे थे कि वाह 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 सतपू भाई ने क्या काम किया है, जबरदस्त मजा आ गया। जब भी वो बोलता था सतपंगी नाम है मेरा तो सब एक साथ में बोल उठते थे, सबके जीवन में रंग भरना काम है मेरा। पर आज अभी एक 9 बजे वो नहीं आए या उनका फोन नहीं लग रहा है, तो अचानक सब सीधे पुलिस कंप्लेंट करने पर पहुंच गए। जेठालाल पुलिस कंप्लेंट करने की बात बबीता जी ने की है, मैं उनकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। अरे आप समझो मेहता साहब, बबीता जी तो बेचारा भोले हैं। तो मैं क्या चंटू जेठालाल? अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप समझो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। क्या? बबीता जी जो है वो तो बेचारे हम गोकुलधाम वासियों के प्रति उनकी जो लागणी है उसके आवेश में आके वो बेचारे बोल पड़े, आप तो बिना सोचे समझे बस समर्थन देने लगे। सोचने समझने की जरूरत आपको है जेठालाल साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए कि बबीता जी क्या कहना चाह रही है। हाँ समझाइए जरा समझाइए। अरे भाई सप्तरंगी की पुलिस कंप्लेंट करने का मतलब सप्तरंगी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कराना नहीं है, सप्तरंगी के लिए पुलिस कंप्लेंट कराना है। भाई सप्तरंगी नहीं आया जो बिल्कुल वक्त पे आता है, वो आदमी नहीं आया तो भगवान ना करे कहीं कोई अनहोनी हो गई हो, सप्तरंगी किसी प्रॉब्लम में हो तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करें तो पुलिस उसे ढूंढ सकती है ना, तो पुलिस को बताना हमारा फर्ज है कि नहीं, बताइए आप। सही बात है, बिल्कुल सही बात। अच्छा है ऐसे फिर? ओ अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी बबीता जी सॉरी सॉरी। मैं तो उसकी बात सही है, पुलिस को बताना हमारा फर्ज है। फिर बबीता शांत हो जाओ, टेंशन मत लो, हम लोग पुलिस स्टेशन जा कर आते हैं। चलो भाई चलो। हाँ चलो चलो अभी चलते हैं। क्या चलो ये ऐसे बकेट लेके चलोगे पुलिस स्टेशन? अरे भाई ये मैं अब्दुल की दुकान पर छोड़ दूंगा, फिर वो टाइम की बचत। चल चल। अचानक बिजली कड़कने लगी, फिर हम लोग सामान यहाँ पे कैसे रख सकते थे, इसलिए हम सबने मिलकर वो सामान मेहता साहब और हाथी भाई के घर पे शिफ्ट कर दिया। ये देखो ना कैसे रखा है यहाँ पे, रेती वेती सब कैसे रखी है। अरे हम सबकी क्या हालत होगी हम लोग ही जानते हैं। सप्तरंगी भाई सामान आया तब आपको यहाँ होना चाहिए था, पहली बात तो आप यहाँ थे नहीं और उसके बाद आपका फोन भी ऑफ था। अरे वो ये कोई तरीका ठीक है क्या, आप बताइए। सप्तरंगी प्रा ओ इतनी लापरवाही आप कैसे कर सकते हो, हमारे घर में सामान ऐसे पड़ा हुआ है कि घर माल गोदाम लग रहा है भाई। हाँ बहुत तकलीफ हो रही है भाई। सब तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पूरे गोकुलधाम वालों ने तुम्हें बिना जाने मेरे भरोसे पे तुम्हें इतना बड़ा काम दिया था और तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। अरे भाई एक मिनट सब लोग चुप हो जाओ भाई, अरे उसे भी तो बोलने दो कि उसने ऐसा क्यों किया। बोल भाई बोल सप्तरंगी बोल। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के दिल से माफी मांगता हूँ। अरे भाई माफी वाफी बाद में, पहले ये बताओ कल से अनड्रेसेबल क्यों हो। बोलो इसका जवाब दो। मैंने कहा था ना कि मेरी शादी की बात हो रही है लड़की से। मेरा मतलब है फिर क्या हुआ? वो लड़की कोमोलिका अमेरिका में रहती है, इंटरनेट पे हमारा फ्रेंडशिप हुआ फिर हमारा प्यार हुआ, हम शादी करना चाहते हैं लेकिन उसके पिताजी मान नहीं रहे थे अब तक। हाँ फिल्मी मतलब एकदम फिल्मी कहानी जैसे ना वो सेम टू सेम।
मेरे और रोशन डार्लिंग के केस में रोशन डार्लिंग के पापा जी भी नहीं मान रहे थे। अच्छा रश्मि मम्मी, कल जब मैं यहाँ से गया तो रात को कोमोलिका के अमेरिका से फोन आया। उसने कहा कि उसके पिताजी शादी के लिए मान गए हैं। ओहो कांग्रेट। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे उससे शादी करनी है तो फिर मुझे तुरंत अमेरिका पहुंचना है। क्या? अगर मैं वहाँ नहीं गया तो उसके पिताजी समझेंगे कि मेरा प्यार उसके लिए सच्चा नहीं है, वो उसकी शादी किसी और से करा देंगे। अरे गॉड, वाह क्या नसीब है, सामने से शादी की ऑफर आ रही है। फिर क्या हुआ? फिर रात भर मैं अमेरिका जाने और टिकट बुक करने के चक्कर में एकदम बिजी हो गया था, और इतना टेंशन में मेरा मोबाइल का बैटरी एकदम डाउन हो गया, और इसीलिए मैं आप लोगों को फोन नहीं कर सका। I'm very sorry है, मैं कोमोलिका से बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने अमेरिका जाने का फैसला किया और मैंने अमेरिका जाने की टिकट भी बुक कर ली। सतरंगी भाई, सिर्फ टिकट बुक करने से नहीं होगा, अमेरिका जाने के लिए वीजा भी चाहिए। हाथी भाई, मेरे पास अमेरिका का 10 साल का वीजा है। 10 साल का मतलब तुम अमेरिका जाओगे? नहीं, मैंने आप सभी के घर के रिनोवेशन का काम हाथ में लिया है, इसीलिए ये सारा काम छोड़कर मुझे अमेरिका नहीं जाना है। सप्तरंगी भाई, आपको अमेरिका नहीं जाना था तो फिर टिकट बुक क्यों की? अभी मैं कल रात को बहुत टेंशन में था ना, इसीलिए टिकट बुक कर ली। फिर सप्तरंगी भाई, आपकी शादी? हमारे नसीब में जो लिखा है वही होगा। अरे तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अमेरिका नहीं जाओगे और यहाँ पे रिनोवेशन करोगे? यस, क्योंकि आप सभी ने मेरी दीदी के भरोसे मुझे जाने बिना रेनोवेशन का इतना बड़ा काम दिया था, इसलिए मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। मैं हर हाल में ये काम पूरा करूंगा। मैं अपने बॉबिता दीदी का सर शाम से झुकने नहीं दे सकता। सत्तू, वाह वाह बबीता जी, आपका सत्तू भाई तो एकदम महान विचारों वाले निकले, बिल्कुल आपकी तरह। बेवकूफ है, एक नंबर के बेवकूफ हो तुम। क्या बोल रहे हो तुम? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अरे भाई, हमारे घर के रिनोवेशन तो तुम्हारे बगैर भी हो जाएंगे। वहाँ लड़की तैयार है, लड़की का बाप तैयार है, लेकिन तुम तैयार नहीं हो। अरे भाई, जिंदगी रिनोवेट होने के मौके बार बार नहीं मिलते। वेरी ट्रू। अगर मौका मिल रहा है तो उसे हड़प लो, वरना वरना शादी न होने का दर्द पोपटलाल से ज्यादा कौन समझ सकता है? बिल्कुल पोपट भाई की बात सही है, पर आप लोगों के रिनोवेशन का काम हो जाएगा। समझते क्या हो तुम अपने आप को? नथिंग इज इंडिस्पेंसिबल इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट एन ऑफर फॉर मैरिज। वाह सप्तरंगी भाई, पोपट भाई की ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। वैसे आपकी फ्लाइट कितने बजे है? 3 घंटे बाद की। अभी एयरपोर्ट जाते जाते मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, इसीलिए मैं वो टिकट कैंसिल। आपको आपकी फ्लाइट कैंसिल नहीं करनी है। पर सप्तरंगी भाई, आपकी फ्लाइट अगर 3 घंटे में है तो आपको ताबड़तोड़ फ्लाइट के लिए निकलना चाहिए। सत्तो भाई, जाओ जेलो अपनी जिंदगी। जीलो जीलो अपनी जिंदगी। All the best Saptarangi. Thank you. First welcome. Sorry दीदी, सब कुछ इतना जल्दी में हो गया कि। Okay सप्तू, तुम जाओ। और तुम्हें और कोमोलिका को हम सब की तरफ से तुम्हारी शादी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ हाँ दोस्त, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा घर बनाते बनाते इसका घर बस गया। Thank you दीदी। अरे थैंक यू क्या, तुम लोग पहले शादी करके वापस आओ, फिर हम लोग तुमसे पार्टी लेंगे। चलो हैप्पी जर्नी। हाँ जाओ जल्दी, वरना तुम्हारी जगह पोपटलाल बैठ जाएगा प्लेन में। थैंक यू एवरीबॉडी। यू गोकुलधाम वालो, यू आर ग्रेट। हैप्पी जर्नी। बाय बाय।
पहुंच के फोन कर देना बबीता जी को। क्या आपने कभी डोर टूटने के बाद पतंग को उड़ते हुए देखा है? कभी शेर को अपना शिकार छोड़ते हुए देखा है? कभी जलेबी को सीधा देखा है? जो नहीं देखा वो गोकुल धाम में देख रहे हैं। हमने स्वयं सतरंगी को हमारा काम छोड़ के जाने की इजाजत दे दी। क्या करें साहब, सतरंगी की खुशी को हम सब ने अपनी खुशी समझा, लेकिन भूल गए हमारे घरों के क्या हाल है। भाई इतने हाल बेहाल है, किसी का फर्श टूटा हुआ है, किसी के घर में बिजली के तार लटक रहे हैं, किसी की दीवारें टूट गई है, किसी का प्लास्टर उखड़ गया है, पर हमारा अधूरा काम कौन पूरा करेगा ये सबसे बड़ा टेंशन है। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, कल सब टीवी पर शाम ठीक 7:30 बजे एक नया शो शुरू होने जा रहा है, चलती का नाम गाड़ी। तो अपने सीट बेल्ट बांध के तैयार रहिए देखने के लिए चलती का नाम गाड़ी। और यहाँ गोकुल धाम में टेंशन टेंशन टेंशन, हमारे अधूरे काम को कौन पूरा करेगा। सतरंगी को हमने जाने की इजाजत दे दी है और घरों में तोड़ फोड़ हुई भी। आप खुद का मेरा हाल देखिए, मैं आपसे कहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, लेकिन इस खराब हाल के बीच में सबसे बड़ा टेंशन ये है कि अधूरा काम कौन पूरा करेगा। अब हर सवाल के जवाब मिलेंगे आपको। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.